Please do subscribe to our channel and click the bell icon. कोलकाता में कैदी काठी सेनू यानी चिरंजीवी एक छोटा अपराधी पुलिस को एक भागने वाले कैदी को पकड़ने में मदद करता है, लेकिन वह खुद बाद में बच जाता है। वह हैदराबाद गए और बैंकॉक से भागने का फैसला किया। हालांकि वह हवाई अड्डे पर अपने बचपन के मित्र यानी काजल अग्रवाल को मिलते हैं और मिलने के बाद इस योजना को गिरता है, जो उसे विश्वास में भगाता है कि उसने उसे अपना फोन नंबर दिया है कि वह उस पर क्रश कर रहा है। अपने डोपेलगेंजर का नाम के तहत सेनू और मली बैंकॉक यात्रा के लिए 25 लाख जो बुढ़ापे के घर के कैदियों के लिए होती है इकट्ठा करने के उद्देश्य से शंकर द्वारा संचालित एक बुजुर्ग घर में प्रवेश करती है। जब तक कि वह इसके बारे में नहीं सीखता, अपने डोपेलगेंजर के मिशन शंकर रियलसीमा में निरुरू के शुष्क गांव से जल विज्ञान में एक स्नातकोत्तर है, जिसने गांव की कुछ भूमि के तहत भूजल की खोज की थी, जिसे न केवल गांव के लिए एक सिंचाई स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, बल्कि पूरे रियलसीमा और पड़ोसी क्षेत्रों के लिए कुआं। लेकिन अग्रवाल यानी तरुण अरोड़ा की एक MNC ने एक कारखाने के निर्माण के लिए अपनी भूमि देने के लिए ग्रामीणों को धोखा दिया। शंकर को पुलिस और 6 ग्रामीणों द्वारा गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इस मुद्दे को मीडिया के साथ शंकर और ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में सीखने पर सेनू अपने कारणों से लड़ने का फैसला करते हैं। जबकि अभी भी शंकर के नाम पर इसका नाम है पुराने घर, और सेनू के लोग जूरी के पास जाते हैं और उन्हें उनके पक्ष में जाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सेनू नियमों का पालन करना शुरू कर देता है और मुख्य जुड़ी व्यक्ति जिसे अग्रवाल ने रिश्वत दे दी थी को डराता है। सेनू तब अग्रवाल को एक व्यक्ति एक नए के रूप में प्रच्छन्न भेजता है और अग्रवाल की गर्दन पर एक फिंगरप्रिंट रखता है। उसके बाद अग्रवाल सेनू को मारने के लिए 50 लोगों को भेज दिया, लेकिन वह जल्द ही उनको सिक्कों के इस्तेमाल से हरा देते हैं, जब वह उनके लिए एक समारोह में भाग ले रहा था। इस बीच वास्तविक शंकर चेतना को प्राप्त करते हैं और खुद को कोलकाता जेल में पा रहे हैं, जहां सेनू को बंद कर दिया गया था। उस व्यक्ति की मदद से जिसने सेनू को पकड़ने में मदद की, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई है और उसे पकड़ा गया है और जेल में वापस फेंकने के लिए बदला लेने के लिए सेनू को मारने की योजना है, वह जल्द यह जानकर नहीं कि शंकर और गुर्गे हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। सेनू ने मीडिया को राजनैतिक चेतना के लिए ग्रामीणों की दिक्कतों को लाने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन मीडिया को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक सनसनीखेज समाचार नहीं है। कुछ दिनों बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सेनू और ग्रामीणों के पक्ष में फैसले की घोषणा करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अग्रवाल ने दावा किया है कि विदेशों में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों ने कारखाने के लिए अपना समर्थन दिखाया है। अगर चूंकि कारखाने का समर्थन करने से इनकार कर चुके गांव वाले विदेश में हैं, और 5 दिनों के भीतर अग्रवाल के दावों को तोड़ने के लिए हैदराबाद में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पासपोर्ट उनके ठेकेदारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और फैसला 5 दिनों के भीतर किया जाता है। सेनू कठोर होने का फैसला करता है। इस मुद्दे को सनसनीखेज करने के उपाय वह लक्ष्मी मल्ली और हैदराबाद में पानी ले जाने वाली पाइपलाइनों पर बैठकर पुराने बुजुर्गों के घर ब्लॉक पानी की आपूर्ति हैदराबाद को देते हैं। पानी की आपूर्ति के कारण हैदराबाद लोगों की
दुर्दशा के कारण राष्ट्रीय ध्यान प्राप्त हुआ कुछ दिनों के बाद सेनू। इस बीच शंकर और गुर्गे हैदराबाद पहुंचते हैं, लेकिन शंकर को अग्रवाल के गुर्गे ने जल्द ही अपहरण कर लिया है। अग्रवाल की हिरासत में रहते हुए वह सेनू के टीवी पर भाषण देखता है और ग्रामीणों की मदद के लिए उनके डोपेलगैंजर द्वारा किए गए प्रयासों से आगे बढ़ता है। फैसले से पहले रात में सेनू के ब्लव का पर्दाफाश हो गया है, लेकिन सेनू ने बूढ़ों को आश्वासन दिया कि वे उनके लिए वास्तव में दिलचस्पी रखते हैं। शंकर जीवित हैं और उन्होंने शंकर को अग्रवाल से बचाया और उन्हें वापस आश्वासन के साथ ग्रामीणों को सौंप दिया। एक सकारात्मक फैसले का सेनू अग्रवाल के कार्यालय में जाता है, जहां शंकर का आयोजन हो रहा है। वह शंकर को बचाता है और अग्रवाल से लड़ता है। शंकर ने अग्रवाल को मार डाला जब वह सेनू को मारने वाला था। अगले दिन फैसले को शंकर और ग्रामीणों के पक्ष